महाराष्ट्र मुंबई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्म शर्मा दक्षिण मध्य मुंबई जिला के उपाध्यक्ष व महाराष्ट्र चुनाव प्रबंधक समिति सदस्य विस्तारक सोशल मीडिया संयोजक जिला के नेता और बीजेपी के निष्ठावंत कार्यकर्ता जो इस समय मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री बनाने के लिए और राहुल शेवाले को तीसरी बार सांसद बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। आइए जानते हैं धर्म शर्मा जी किस तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं और क्या है उनकी रणनीति। मेरा नाम धर्म शर्मा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष दक्षिण मध्य मुंबई, संयोजक सोशल मीडिया, विस्तारक महाराष्ट्र चुनाव प्रबंधक समिति का सदस्य। पब्लिक से यही निवेदन करेंगे कि मोदी जी के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको जो 10 साल में मोदी जी ने अपने पूरे विजन को उतारा है ज़मीन पर, उसी को देखकर आगे भविष्य के लिए जो 2047 का उनका लक्ष्य है, अमृतकाल का जो लक्ष्य है उनका, उसको देखकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हर सीट पर मोदी जी खड़े हैं। और यहाँ हमारे दक्षिण मध्य मुंबई में हमारे साथ राहुल शेवाले जी हैं, उनको हमको भारी बहुमत से जिताना है। पार्टी के समन्वय के हिसाब से आज हमारे साथ आरपीआई आठवले गट, अजीत दादा पवार का एनसीपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और इतर सहयोगी पार्टी मिलकर इस लोकसभा चुनाव में आज हम लोग जमीन पे उतरे हैं। हमको हर बूथ में अपनी ताकत बताकर, सभी का एक समन्वय बनाकर, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो वो प्रयास से हम लोग घर घर जा रहे हैं। सीट, हर एक लोकसभा सीट हमारे लिए वही 400 का आंकड़ा पूरा करने वाला सीट है। हर कार्यकर्ता, हर लोकसभा विधानसभा, हर कार्यकर्ता बूथ तक यही संकल्प लेकर चल रहा है। हमारी टीम हर जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिली है, हम लोगों का ये रणनीति यही है, अपने बूथ में 100% वोटिंग का प्रयास करें, मैक्सिमम लोगों को इलेक्शन के दिन उतार कर मैक्सिमम वोटिंग कराएं। ये एक भारतीय जनता पार्टी का एक अभी तक का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, अंत्योदय की पार्टी जिसको हम बोलते हैं, कि आखिरी का आदमी जब तक सही नहीं है तब तक हम काम करते रहे। और वैसा ही हमारे पार्टी में भी वही सिस्टम है। बूथ का पन्ना प्रमुख, पन्ना का सदस्य, बूथ का सदस्य, बूथ की समिति, वहाँ से हमारा काम शुरू होता है। हर पेज पे एक कार्यकर्ता है, हर बूथ में 30 कार्यकर्ता है, हर वार्ड में सारे पदाधिकारी हैं और हर आदमी इस समय इलेक्शन के मोड में है और काम कर रहा है। आपको इतना अंदाज तो लग ही गया होगा, जब 2.5 साल का एक कुछ काम न करने वाला सरकार बना था माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी का, मुंबई के सारे प्रगति के काम उन्होंने रोक दिए थे, क्या उस समय मुंबई के लोगों का काम प्रायोरिटी पे नहीं होना चाहिए था? अगर आप मुंबईकर हो, अगर आपको मुंबई से प्रेम है, अगर आप इतना चाहते हो मुंबई को, तो काम क्यों रोका? कितना लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, कितना तकलीफ मुंबई की जनता ने सही। और आज आपको पता है ये जो गुट है ये सिर्फ भ्रम फैला रहा है, इनके पास बोलने के लिए भ्रम के अलावा और कुछ है ही नहीं। कोई काम ऐसा तो ये बताएं कि हमारे कुछ समय में हमने किया, उनके समय में क्या किया? खंडनी, काम रोकना। और जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बोलते हैं शिंदे साहब, फेसबुक लाइव, जमीन पे काम करना जरूरी है कि फेसबुक में दिखना जरूरी है? ये अनुभव सभी को पता है और सभी ने देख लिया है कैसा कैसा रंग अलग अलग लोगों के कैसे दिख गए। और आज जब एक विषय, एक विजन के लिए लोग, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उसमें हमको तो कोई ऐसा नहीं लगता, नैरेटिव चल रहा है, नैरेटिव हम सफल होने नहीं देंगे। धारावी के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि विकसित भारत में आज धारावी का एक प्रबल हिस्सेदारी है और वो हिस्सेदारी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राहुल शेवाले जी और एकनाथ शिंदे जी, उन पर यकीन करें, विश्वास करें। और जो व्यवस्था पूरे आज धारावी रिडेवलपमेंट प्लान में हुई
वहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, जो लोकल व्यवस्था है उसको कोई छेड़ा नहीं जाएगा। वहाँ का डेवलपमेंट प्लान को लेकर एक सहमति बनाकर ही काम होगा। अभी शाम में कल का 9 तारीख का वड़ाला का फेरी है। हर सुबह शाम जैसे जिला के हर एक विधानसभा में सुबह का एक फेरी होता है, शाम का फेरी होता है, कुछ ग्रुप बैठक्स होती हैं, वैसे हर विधानसभा के हर बूथ हर वार्ड के लोगों का एक अच्छा समन्वय बन के हर जगह पे वो काम पूरे लोकसभा क्षेत्र में चल रहा है। मोदी जी मुंबई कभी आने वाले हो, 30 दिन ये महासभा होगा जो मोदी जी? अभी तक की ये जो सूचना है कि 15 तारीख और 17 तारीख ऐसा दो है, वो कन्फर्म होने से हम सभी को बता देंगे। इनका फीडबैक तो भाई साहब मोदी जी के साथ का है, और इत्तेफाक ये है कि राहुल जी और मोदी जी दोनों लोकसभा चुनाव 2014 को एक साथ लड़े, और उनका साथ पहले से रहा है, दोनों टर्म रहा है, और मैं हम यकीन से बोल सकते हैं तीसरा टर्म भी राहुल शेवाली जी यहां से कंफर्टेबल मेजॉरिटी से लीड करेंगे। लोकसभा चुनाव के समय पूरा जो आपने देखा होगा, हमारा लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, अनुशक्ति नगर से प्रभा देवी तक है, धारावी वड़ाला पूरा क्षेत्र आता है, तो उसमें हर किसी को लोकसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार है। मूलतः बात यह है कि हमको हमारा लोकल कैंडिडेट, ट्राइड एंड टेस्टेड कैंडिडेट राहुल शेवाले में हमको मिला है। दोनों टर्म उन्होंने व्यवस्थित काम किया है, लोगों के संपर्क में रहे हैं, और कॉरपोरेशन का अनुभव लेते हुए उन्होंने जमीन पर किसी भी कोई भी छोटा से छोटा काम को अच्छे से उतारा है। भाई साहब ये फिर से मैं बोलता हूँ, ये नैरेटिव है मोदी जी का, नारा हम लोग सब लोग मानते हैं, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास। अब मुझे ये फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि उनके विकास के पूरे कार्य में हर किसी वर्ग के लोगों को लाभ मिला है, उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सभी को मिला है। ये सिर्फ वो लोग जो आज सत्ते से बाहर हैं, वो लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे एन के एन कारण कोई प्रकार से हम कोई मुद्दा खड़ा कर सके, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। ये रथ प्रगति का रथ है, और 2024 में पूर्ण बहुमत अच्छे से दक्षिण मध्य मुंबई जिला एवं मुंबई के 6-6 सीट हम जीत के बताएंगे। अभी उन्होंने अपने कार्य आवाल में RCF से लेके चेंबूर से लेकर तिलक नगर का कनेक्टिंग जो बाईपास है उसको लेकर, पोल्यूशन का जो विषय है उसको लेकर, रेल डेवलपमेंट का विषय है उसको लेकर बहुत विषय उन्होंने दिया है, और हम राहुल जी के कार्य आवाल को घर घर पहुंचा रहे हैं ताकि उनके 10 सालों का पूरा कार्य आवाल सभी के पास पहुंच रहा है। और मोदी जी के विजन में आगे भविष्य में जो ये 5 साल और 47 तक का हम लोग जो मुंबई का डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी विजन को इनकॉर्पोरेट किया है। यहाँ पर विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट बन रहा है, वो जैसे ही तैयार हो जाता है उसको कनेक्टिविटी तुम्हारे शिवरी के वड़ाला का जो लिंक आएगा उस पर है, फिर तुम्हारा बांद्रा शिवाजी पार्क का लिंक का है, हमारे एंड में शिवरी वड़ाला लिंक में दो कनेक्टिविटी ब्रिजेस और बन रहे हैं, प्लस एमिनिटीज़ यहाँ के नागरिकों के लिए वो भी, उसका भी प्रोजेक्ट है। विस्तार से हम ये पूरा विषय आगे आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वोट हर किसी का, जब हम लोग अपना अधिकार बोलते हैं हमको ये सुविधा चाहिए वो सुविधा चाहिए, उसकी अपनी जिम्मेदारी एक है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए लोग समय पे आएं, अपना अधिकार दें और अपने भविष्य के लिए अधिकार लें, बस। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।